हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने। और आप जानते हैं हम सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे हैं, और पिछले लेक्चर में अगर आपने सुना है तो हम गुड बाय मिस्टर चिप्स के चैप्टर वाइज सिनोनिम्स जो है ना वो शुरू कर चुके हैं। पहले चैप्टर के सिनोनिम हमने पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम दूसरे चैप्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स के दूसरे चैप्टर के जो सिनोनिम्स हैं, और ख़ास तौर पर वो जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के, तो वो हम डिस्कस जो है ना वो करेंगे। तो अब आप देखें, अक्रॉस द रोड बिहाइंड आर रैम्पर्ट, ये मेरे ख्याल में लास्ट लेक्चर में हो गया था। जी बिल्कुल ठीक है, ये लेक्चर नंबर 2 के, बल्कि आज हम मतलब चैप्टर नंबर 3 जो है ना ये डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी, आ जाएं चैप्टर नंबर 3। तो इसके अंदर देखें, द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रिटेंशियस, लव्स है प्रिटेंशियस, जो ज्यादा दिलचस्प ना हो, अपीलिंग ना हो, पुरकशिश ना हो, प्रिटेंशियस। अफेक्टेड हेटफुल पॉम्पस फाइटिंग, तो अफेक्टेड का लव्स जो है ना ये इस्तेमाल करेंगे। वैसे प्रिटेंशियस का लव्स ही मतलब देखें, चूंकि प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना करना, हकीकत में जैसा होना उसके और तरह से जाहिर करना, प्रिटेंड। तो यहाँ से वहाँ प्रिटेंशियस का लफ्ज़ बना, मतलब हकीकत में जितना अच्छा लग रहा था इतना अच्छा था नहीं वो घर। प्रिटेंशियस का मतलब ये है कि बज़ाहिर लगता था कि बहुत अच्छा होगा लेकिन इतना अच्छा था नहीं। अफेक्टेड का मतलब ही दिखावे का, बनावटी, अफेक्टेड का मतलब जो है ना। He liked if the weather were mild enough to stroll across to the playing fields. Stroll का लफ्ज़ है STROLL, stroll। तो stroll का मतलब होता है चहलकदमी करना। तो अब यहाँ पर आप देखें, strict, sit, walk, swim। तो walk का लफ्ज़ जो है ना ये stroll के लिए ये सही synonym बनेगा। I once thrashed him for climbing on the gymnasium roof. Thrashed मतलब पीटा, सजा दी। थ्रैश्ड का मतलब जो है ना ये होता है बीट, टॉट, एस्क्ड, मेड। तो बीट ये जो लफ्ज़ है ना इसकी सेकंड फॉर्म के स्पेलिंग भी यही होते हैं, लेकिन आप देखिए जैसे रीड की सेकंड थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग भी वही होते हैं लेकिन पढ़ते हैं रेड रेड, तो इसी तरह ये सेकंड फॉर्म में इसको पढ़ेंगे बेट, स्पेलिंग वही बीट वाली है लेकिन इसको पढ़ेंगे बेट, बीट, बेट, बीटन, लेकिन स्पेलिंग वही बी ई ए टी रहेंगे सेकंड फॉर्म के। और फिर देखें, यस आई न्यू हिम सर, चीकीज वॉज टू मी, चीकी सी एच डबल ई के वाई, बड़ा शरारती नटखट सा, चीकी, नाइस, डिसरेस्पेक्टफुल, पोलाइट, हैंडसम। तो ये करीब तरीन ऑप्शन इसका बन जाएगा डिसरेस्पेक्टफुल, क्योंकि शरारती के अंदर थोड़ा सा फिर ये भी आ जाता है ये चीकी की सेंस के अंदर, के शरारती के साथ साथ थोड़ा सा वो मतलब जिसके अंदर रेस्पेक्ट की थोड़ी सी कमी भी हो। और अ प्लेजेंट प्लेसिड लाइफ एट मिसेस विकेट्स, प्लेसिड पी एल ए सी आई डी, पुरामन, पुरसुकून, प्लेसिड का मतलब जो है ना लोनली, पीसफुल, वार्म, अग्रेसिव। तो पीसफुल का लफ्ज़ जो है ना ये हम इस्तेमाल कर लेंगे, अग्रेसिव बिल्कुल उलट अपोजिट बन जाता है, इसका मतलब होता है जारहाना, अग्रेसिव का मतलब ना। अ फ्यू बुकशेल्व्स एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज, अ मेंटल पीस क्राउडेड विद मिक्सचर फिक्स्चर कार्ड्स एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज एंड मैन, क्राउडेड विद, फुल ऑफ, भरा हुआ, भीड़ लगी रहती थी मतलब भरा रहता था, क्राउडेड विद, बर्निंग, क्राइंग, फुल, एम्प्टी। तो यहाँ पे फुल कलर्स जो है ना ये हम इस्तेमाल कर लेंगे, ये मतलब क्राउडेड के लिए फुल। और फिर देखें नेक्स्ट, देयर वाज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर्स, मोहब्बत नामे, बेल्स लेटर्स, या मतलब इश्किया दास्ताने, बेल्स लेटर्स। ये बेल बी ई डबल एल ई, बेल फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर नौजवान खूबसूरत लड़की के लिए ये लफ्ज बेल जो है ना वो बोला जाता है, बी ई डबल एल ई, बेल।
जो पुराना फर्स्ट ईयर का सिलेबस हुआ करता था 2006 से पहले, ये जो अब आप बुक वन पढ़ रहे हैं ये तो 2006 के अंदर आई थी। इससे पहले जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस हुआ करता था उसके अंदर एक पोइम हुआ करती थी, एक इंग्लिश पोएट है जॉन कीट्स, और उसकी एक पोइम हुआ करती थी, उसका टाइटल हुआ करता था ला बेल डेम सांस मर्सी। तो उसके अंदर बेल, यही लफ्ज़ है, बेल का मतलब होता है दोशीज़ा, नौजवान खूबसूरत हसीना। बेल का लफ्ज़ी मतलब जो है ना ये होता है बेल्स लेटर्स, तो मतलब इश्किया दास्तानों वाली किताबें, मोहब्बत नामे, बेल्स लेटर्स, लैटिन लेटर्स, ग्रीक लिटरेचर, लव लेटर्स और ब्यूटीफुल लिटरेचर। तो ये जो बेल्स लेटर्स है इसका मतलब करेंगे ब्यूटीफुल लिटरेचर, जो मतलब इश्किया दास्तानें जो है ना, ये बेल्स लेटर्स का मतलब ये करेंगे। और ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग अ प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। एसिडुअस, ए डबल एस आई डी यू ओ यू एस, बड़ा मेहनती, एसिडुअस बहुत मेहनत करने वाला, एसिडुअस। तो इंग्लिश ग्रीक डिलीजेंट मैथ्स, डिलीजेंट का लफ्ज जो है ना ये, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती। और फिर देखें नेक्स्ट, He wanted to be among the dwindling number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. Dwindling number of people, dwindle का मतलब होता है कम होना, dwindling number उन लोगों की तादाद जो कम होती जा रही है, dwindling number कम होती हुई तादाद। तो लार्ज डिक्रीजिंग एलीट इंक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इसका सही सिनोनिम बन जाएगा ड्विंडलिंग के लिए, डिक्रीजिंग। और फिर देखें, हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। फर्निश्ड का लफ्ज आ गया, फर्निश्ड का मतलब होता है सजाया संवारा गया, डेकोरेट किया गया, तो फर्निश्ड, डेकोरेटेड पहला पहला ऑप्शन है और यही लफ्ज ही ठीक है, डेकोरेटेड, यही लव्स डेकोरेटेड जो है ना ये ठीक है इसके लिए, फर्निश्ड के लिए। और फिर देखो कि ऑल दैट फस अबाउट मिक्सिंग द टी, या टिपिकल बैचलर फस, फस का मतलब होता है ये मतलब हंगामा या बड़ा ये मतलब कि ये बड़ा छोटी छोटी बातों के बारे में भी एहतियात, ये ना हो वो ना हो, ये ठीक होना चाहिए, ये बेहतर होना चाहिए, देखो ये ना हो कहीं ये ख़राबी ना हो जाए, इस किस्म के रवैये को जाहिर करना फस, एफ यू डबल एस फस। एफर्ट एक्साइटमेंट टॉकिंग स्ट्रगल, तो अब ये जो लफ्ज़ है इसके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे फस। और टाइम्स दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स दैट ही रिकॉग्नाइज्ड, टैग्स टी ए जी एस, छोटे छोटे फिक्रे, जुमले, तरकीब, टैग्स इस मतलब में इस्तेमाल होता है। बॉक्सेस, फ्रेजेस, पेजेस, आर्टिकल्स, तो फ्रेजेस का लफ्ज जो है ना ये टैग्स के लिए, ये फ्रेजेस का लफ्ज हम इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर देखें, Brookfield directly writing his occasional letters in thin spidery but very legible script. Spidery, S P I D E R Y, मकड़ी के जाले जैसी, बड़ी बारीक मकड़ी के जाले जैसी, insect bat wide thin, thin का लफ्ज जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर देखें, legible script, ये जो एक्सप्रेशन थी इसके अंदर स्क्रिप्ट, एस सी आर आई पी टी, स्क्रिप्ट होती है तहरीर, स्क्रिप्ट का मतलब जो है ना तहरीर को कहते हैं। पहला पहला ऑप्शन है राइटिंग और यही सही है इसके लिए, स्क्रिप्ट के लिए राइटिंग का लफ्ज जो है ना ये इस्तेमाल कर लेंगे। और फिर इसी एक्सप्रेशन के अंदर लफ्ज आ गया लेजिबल, एल ई जी आई बी एल ई, लेजिबल का मतलब होता है जो पढ़ी जा सके। अगर आपको याद हो आपने पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो याद किए होंगे, तो उसके अंदर एक दो पेयर, एक पेयर था जिसके अंदर दो वर्ड्स एलिजिबल और इलेजिबल, अगर आपको याद है पेयर ऑफ वर्ड्स,
तो उसके अंदर देखें एलिजिबल, ELIGIBLE, एलिजिबल का मतलब तो अहल होता है, काबिल होता है, लेकिन दूसरा जो लफ्ज़ है ना इलेजिबल, ILEGIBLE, उसमें आप देखें असल में लफ्ज़ है लेजिबल ये वाला LEGIBLE, जिसका मतलब है जो पढ़ा जा सके, इसके साथ IL लगा देंगे इलेजिबल जो पढ़ा ना जा सके। तो ये लफ्ज़ आप देखें लेजिबल जो पढ़ा जा सके, रीडेबल, लेजिबल का मतलब करेंगे रीडेबल, ये इसका सही ऑप्शन बनेगा। और फिर देखें विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, ऑडली ODLY, अजीब से अंदाज में, ऑडली का मतलब जो है ना अजीब से अंदाज में। अब देखें सरप्राइजिंगली रियली ट्रूली ऑलवेज, तो ये रियली ट्रूली ऑलवेज हरगिज नहीं हो सकते, तो सरप्राइजिंगली जिसके अंदर हैरत होती हो, चूंकि वो अजीब से अंदाज में है तो वो हैरत करीब लफ्ज़ हो जाता है, तो ऑडली के लिए सरप्राइजिंगली का लफ्ज़ जो है ना ये इस्तेमाल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 जो था आपके इसमें मतलब नॉवल में, उसके जो प्रीवियस पेपर्स के अंदर आने वाले सिनोनिम्स थे वो आज हमने डिस्कस किए, अगले चैप्टर के सिनोनिम्स अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।